गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। और अभी हम लोग देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, जो हम लोग डेली सुबह सुबह लेते हैं। तो आज है आपका 1 नवंबर 2018। तो चलिए देखते हैं 1 नवंबर 2018 में क्या कुछ हुआ और आज का क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। चलिए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में गांधीवादी विचारधारा व स्वच्छता पर सेमिनार का आयोजन किया गया? तो किस स्थान पर गांधीवादी विचारधारा व स्वच्छता पर सेमिनार आयोजित किया गया? ये किया गया था वर्धा में। कहाँ किया गया था? वर्धा में। निम्नलिखित में किस शख्सियत ने हाल ही में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी FTII के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो FTII के पद से इस्तीफा किसने दे दिया? ये दिया है अनुपम खेर ने। अनुपम खेर ने FTII पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये जो फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है, ये अस्तित्व में कब आया? ये आया था 1960 में। कब आया था? 1960 में। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष थे अनुपम खेर, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? यानी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ये हैं जस्टिस AS बोपन्ना। कौन है? जस्टिस AS बोपन्ना। जस्टिस AS बोपन्ना ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण ली। अब आपको यहां से ये पता होना चाहिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है। 1948 में गुवाहाटी हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। और उस वक्त इसका नाम क्या था? उस वक्त इसका नाम था हाई कोर्ट ऑफ असम एंड नागालैंड, ठीक है, ये आप याद रखना, हाई कोर्ट ऑफ असम एंड नागालैंड, ये 1948 में इसका नाम था। लेकिन 1971 में इसका नाम बदल कर किया गया गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और अभी आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा ज्यूरिडिक्शन वाला जो अगर हाई कोर्ट अगर कोई है तो वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा ज्यूरिडिक्शन एरिया वाला कौन सा हाई कोर्ट है? ये है गुवाहाटी हाई कोर्ट। और इसके अंदर कौन कौन सा आता है? इसके अंदर आता है आपका असम, ठीक है, फिर आता है नागालैंड, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, और एक और इसके साथ एक और स्टेट आता है मिजोरम, ठीक है, वो कौन सा है? वो है मिजोरम। तो ये चार चीज आपको यहाँ से याद रखना है। और ये चारों स्टेट का आपको नाम याद रहना चाहिए जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है। वो कौन कौन सा हुआ? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये चारों आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ से याद रखना है। अच्छा, ऊपर जो हमारा क्वेश्चन गया वो क्या था? FTII का अध्यक्ष पद से इस्तीफा तो अनुपम खेर ने दिया है। आपको पता होना चाहिए ये है कहाँ, FTII ये कहाँ है? ये है आपका पुणे में। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट छूट गया था, आप इसको भी याद कर लो। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वार्षिक द्विपक्षीय सम्मेलन भारत और जापान के बीच में ये आयोजित किया गया था जापान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अतिरिक्त कौन सा देश भारत के साथ अक्टूबर 2018 में दो देशों की रक्षा और बाहरी मामलों के मंत्रालयों के बीच 2+2 संवाद तंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है? यह है आपका जापान। क्या है क्वेश्चन? अमेरिका के अतिरिक्त कौन सा देश भारत के साथ अक्टूबर 2018 में दो देशों की रक्षा और बाहरी मामलों के मंत्रालयों के बीच 2+2 संवाद तंत्र। देखो यहाँ पे एक ये होता है 2+2 डायलॉग। क्या होता है? 2+2 डायलॉग। ये है क्या एक्चुअली में? ये 2+2 डायलॉग कुछ नहीं है, ये दो देशों के बीच में एक संवाद का एक जरिया है, एक इसको नाम दिया गया है, बस एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है जहाँ पे दो देशों के जो इक्वल लेवल के मंत्री हैं या मिनिस्टर है या कोई भी पोस्ट है वो मिलते हैं, ठीक है। स्पेशली अभी तक जो डिफाइन किया गया है उसमें से ये डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये दोनों मिलते हैं। कौन कौन सा? डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये दोनों मिलते हैं दोनों देशों के, और कुछ इनके बीच में बात होती है, इसी को कहा जाता है 2+2 संवाद तंत्र, ठीक है। तो अमेरिका ने एक्सेप्ट किया था भारत के साथ 2+2 वार्ता के लिए, और अभी अमेरिका के बाद जापान है जिसने ये एक्सेप्ट किया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया गया जो कि 700 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य भेद सकती है? यानी एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है जिसका रेंज रेंज क्या है, 700 किलोमीटर रेंज है, ठीक है? तो उसका नाम है अग्नि प्रथम। क्या है उसका नाम? अग्नि प्रथम। इसका रेंज है 700 किलोमीटर और ये 1000 किलोग्राम पेलोड तक लेके जाने में सक्षम है, ठीक है? और इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ये किया गया ओडिशा से। कहाँ से किया गया? ओडिशा से। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश द्वारा घोषणा की गई कि वह दक्षिणी ध्रुव में देश के पहले अस्थायी हवाई अड्डे का निर्माण करेगा? यानी दक्षिणी ध्रुव में देश का पहला हवाई अड्डा बना रहा है, तो वह देश कौन सा है? वह देश है चीन। कौन है? चीन। चीन ये बोला है कि वह दक्षिणी अफ्रीका, सॉरी दक्षिणी ध्रुव में हवाई अड्डा बनाने में सक्षम है। वहां कड़ाके की ठंड पड़ती है, फिर भी वो सक्षम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर देश के सबसे बड़े ड्राई डॉक के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया? तो ड्राई डॉक, देश का सबसे बड़ा ड्राई डॉक कहाँ पे निर्मित निर्माण हो रहा है, निर्माणधीन है, निर्माण होने का फैसला किया गया है कहाँ पे? यह कोचीन, ठीक है? कोचीन में सबसे बड़ा ड्राई डॉक निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया है। अब ये ड्राई डॉक क्या होता है? ड्राई डॉक देखो कुछ नहीं, एक लंबा डॉक तो आप जानते हो जहाँ पे शिप वगैरह को रखा जाता है, ये एक लंबा आकार का ड्राई डॉक होता है, सॉरी डॉक होता है जो जनरली ड्राई रहता है, लेकिन जब चाहे तब इसको पानी से भरा जा सकता है ताकि कोई भी शिप वगैरह या आपका सबमरीन या कोई भी इसमें आ जा सके। ये जनरली यूज किया जाता है, जैसे मान लो कोई शिप वगैरह खराब हो गया, ठीक है, या उस कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ गई तो उसको ठीक करना है या उसको पानी में लेके जाना है, और आप अगर शिप खराब हो गया तो पॉसिबल नहीं है कि उसको समुद्र में ले जाया जा सके, तो इस तरह के केसेस के लिए ये ड्राई डॉक बनाया जाता है। ये एक लंबा शेप में होता है, बहुत लंबा शेप में, इसको जब चाहे पानी से भर सकते हैं और जब चाहे इसको खाली कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है ड्राई डॉक। ये भी आपको याद रखना है। ये जनरली बनाया जाता है जहाँ पे शिपयार्ड है वहीं पे, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ पे मान लो आपका सी एरिया है तो यहाँ पे इसको बनाया जाएगा थोड़ा सा दूर हटके, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया गया, इस मूर्ति की लंबाई कितनी है? अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2-3 दिन से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको इसके हर एक चीज आनी चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला क्वेश्चन था आपका 2016 का, 2016 का जो टैगोर पुरस्कार मिला वो इसके मूर्तिकार को मिला था। अब आप कमेंट में उसका नाम बताओ, कौन है उसका मूर्तिकार जिसको इसके लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इस मूर्ति के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे लंबी मूर्ति बनाने के लिए। पहला तो ये हुआ। दूसरा खास बात ये है कि आपको ये याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है वो, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्टेचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम दिया गया है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। और ये है कहाँ? मैंने बताया हुआ था कि ये गुजरात में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के तट पर और सरदार सरोवर बांध पर है, ठीक है, सरदार सरोवर बांध पर इसको बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेचू है। देखो अभी तक आप जान रहे थे कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेचू जो है, सबसे ऊंचा मूर्ति जो है, ये है स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी लगभग ऑलमोस्ट 305 फीट 1 इंच के आसपास है, ठीक है, 305 फीट 1 इंच के आसपास ये है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। लेकिन ये हमारा जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है ये ऑलमोस्ट 182, आपका 182 मीटर के आसपास है, यानी ये अगर फीट में आप बदलो तो ये फीट में हो जाएगा 597 फीट, यानी स्टेचू ऑफ लिबर्टी से लगभग ऑलमोस्ट 2 गुना इसका साइज है, ठीक है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू है ये। आप इसका लेंथ याद रखना 182 मीटर, जो आपके आंसर में आपसे इसका लंबाई ही पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन में, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 182 मीटर। 182 मीटर को अगर आप कन्वर्ट करो फीट में तो ये ऑलमोस्ट 597 फीट यानी 600 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में याद रखो 182 मीटर और 597 फीट। और स्टेचू ऑफ लिबर्टी का क्या था? ये था 305 फीट 1 इंच,
ठीक है, ये भी आप याद रखना, 305 फीट 1 इंच स्टेचू ऑफ लिबर्टी था, ये ऑलमोस्ट उसका डबल, तो सबसे लंबा जो प्रतिमा है उसका आपको लेंथ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ कूल ईएमएस सेवा शुरू किया गया है? क्या क्या गया है? कूल ईएमएस सेवा, कूल ईएमएस सेवा, तो भारत ने किस देश के साथ कूल ईएमएस सेवा शुरू किया है? यह है जापान के साथ। अब इस सेवा के तहत कोई भी भारतीय इंसान बहुत ही आसानी से जापान का कोई भी जो खाने पीने का आइटम है, कोई भी सामग्री है, ठीक है, फूड आइटम्स वगैरह है, तो उसको आसानी से वहां से मंगाया जा सकता है कूल ईएमएस सेवा के थ्रू। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किसके साथ हुआ है ये करार, ये हुआ है जापान के साथ, और जापान से अब कूल ईएमएस सेवा शुरू होगा। ईएमएस, आपको इसका फुल फॉर्म आना चाहिए, ईएमएस क्या होता है, ईएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएमएस का फुल फॉर्म होता है एक्सप्रेस मेल सर्विसेस, ठीक है, एक्सप्रेस मेल सर्विसेस, ये होता है ईएमएस का फुल फॉर्म। तो कूल ईएमएस जापान के साथ शुरू किया गया, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 27 अक्टूबर 2018 को लिटिल इंडिया गेट, लिटिल इंडिया गेट, लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन किया गया है इंडोनेशिया में। कहाँ किया गया है लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन? इंडोनेशिया में। ये किया गया है 27 अक्टूबर 2018 को, ये इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में इसका उद्घाटन किया गया है। और शहर का नाम क्या है? शहर का नाम है मैदान। क्या शहर का नाम है? शहर का नाम है मैदान, जहां पे इस तरह का बनाया गया है लिटिल इंडिया गेट। ठीक है, मैंगलुरु लिट फेस्ट 2018, मैंगलुरु लिट फेस्ट 2018 का विषय क्या है, जो मैंगलुरु में 3 नवंबर 2018 से 6 नवंबर 2018 तक आयोजित किया जाएगा? तो क्या है फेस्टिवल का नाम, क्या है? मंगलुरु लिट फेस्ट 2018, जो मंगलुरु में स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसका थीम क्या था? इसका थीम है द आइडिया ऑफ भारत। क्या है इसका थीम? इसका थीम है द आइडिया ऑफ भारत, और ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है मंगलुरु में 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप में ईंधन खत्म हो गया है। ठीक है, केपलर आप जानते हो, केपलर टेलीस्कोप बहुत ही फेमस है नासा का ये टेलीस्कोप, और इसमें ईंधन जो है, फ्यूल जो है, वो खत्म हो गया है और इसका मिशन समाप्त हो गया है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ये मानव रहित अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे आपको डैश होगा। ठीक है, किस वर्ष, आपसे ये पूछा जा रहा है किस वर्ष में मानव रहित अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था, जो अभी आप पढ़ रहे हो। तो ये है केपलर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन से साल में इसको लॉन्च किया गया था? इसको किया गया था 2009 में। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, नासा के केपलर स्पेस सेटेलाइट में ईंधन खत्म हो गया है और इसका मिशन समाप्त हो गया है, डैश वर्ष में मानव रहित अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था, ये किया गया था 2009 में। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला संप्रभु ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना, किसने सबसे पहला, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसने पहला संप्रभु ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया है? ये संप्रभु ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया है, ब्लू बॉन्ड क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोवरेन ब्लू बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सोवरेन ब्लू बॉन्ड। और ये लॉन्च किया है आपके सेसेल्स ने। किसने किया है? सेसेल्स ने। अच्छा, ये ब्लू बॉन्ड होता क्या है, यानी सोवरेन ब्लू बॉन्ड होता क्या है? ये एक तरह का ऐसा बॉन्ड है, ठीक है, जो डिजाइन किया जाता है किस चीज के लिए, तो समुद्री, अस्थाई समुद्री और मत्स्य पालन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए। ठीक है, समुद्री और मत्स्य पालन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। तो दुनिया का पहला देश ऐसा कौन सा है? यह है आपका सेशेल्स, जिसने ये डिजाइन किया है। अगला क्वेश्चन है कि 6 दिसंबर 2018 को लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनके कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किसे 2018 ग्लिट्समैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी 2018 का ग्लिट्समैन से सम्मानित किसको किया गया है? यह मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई, जिसको 2018 का ग्लिट्समैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और क्यों किया गया? कि विश्वविद्यालय में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, क्यों दिया जाता है ग्लिट्समैन पुरस्कार? तो दुनिया भर में जीवन की गुणवत्ता के सुधार में सक्रियता के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, और इसमें 125,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, 125,000
अमेरिकी डॉलर इसमें दिए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 2014 में मलाला यूसुफजई को नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। और सबसे कम उम्र वाली यही थी अभी तक के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला, महिला या कोई भी इंसान आप बोल सकते हो, पुरुष में भी सबसे कम उम्र की यही है और महिला है, तो एक और क्वेश्चन आपके लिए बन गया। 7 महीने की लंबी यात्रा के बाद 30 अक्टूबर 2018 को कोच्चि में निम्नलिखित में से कौन सा जहाज अपने नौसेना बेस में लौट आया है? क्या बोला जा रहा है? यह बोला जा रहा है कि कौन सा वह जहाज है जो 7 महीने से यात्रा पे थी और वह अब अपने बेस में लौट आई है। तो आपको यह बताना है कि उसका बेस कहाँ है, तो बेस है कोच्चि में, ठीक है। अब वह कौन सी जहाज है? वह है INS तरंगिणी। कौन सी है? INS तरंगिणी। अगर आप आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले यानी 7 महीने पहले ये यात्रा पे निकली थी, तब भी ये न्यूज में थी, अब वापस आ गई है तो भी ये न्यूज में, ठीक है। तो INS तरंगी 7 महीने पहले निकली थी और ये वापस आ गई है अपने बेस कोची में। और दूसरा आपको याद क्या रखना है कि ये कहाँ कहाँ गई, ठीक है। तो कुछ कुछ फेमस जगह, तो बहुत जगह गई है, लेकिन कुछ कुछ फेमस जगह आपको ये याद रखना है कि ये फ्रांस में जो बोंडेक्स में था, थ्री फेस्टिवल, टॉल शिप रेगाटा और टॉल शिप रेस यूरोप 2018 में भी इसने भाग लिया। कौन कौन सा? यह है आपका फ्रांस में एक बोर्डेक्स था, ठीक है, बोर्डेक्स जगह, वहां पे थ्री फेस्टिवल टॉल शिप, थ्री फेस्टिवल टॉल शिप रेगाटा, इसमें इसने भाग लिया। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका टॉल शिप रेस यूरोप 2018, टॉल शिप रेस यूरोप 2018, इसमें भी इसने भाग लिया, ठीक है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर्स। और अब देखते हैं जो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, कल मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? कल क्वेश्चन पूछा था कि ब्राजील के नए प्रधानमंत्री कौन, सॉरी नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं, कौन है वो? वो है जेयर बोल्सोनारो। कौन है? जेयर बोल्सोनारो, जिनका अभी अभी अनाउंस हुआ है वो ब्राजील के नए राष्ट्रपति नियुक्त होने वाले हैं। अब आज का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है कमेंट में, वो क्या है? वो है निम्नलिखित में से किन देशों ने समुद्र विज्ञान उपग्रह सीएफओ सैट का निर्माण किया है? इसका आंसर आप कमेंट में बताओ, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।